नमस्कार दोस्तों, अनुपेश डी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सेट 13 सॉल्व करेंगे। प्रश्न के साथ साथ उसमें जो व्याख्या प्रस्तुत की जाती है वह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना देर किए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारे मोबाइल और लैपटॉप में कई तरह की फाइलें होती हैं, जिनमें से एक कुकीज भी हमारे हार्ड ड्राइव में मौजूद एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है, जो कि इंटरनेट से ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसकी सारी जानकारी एक फाइल में सेव हो जाती है, जिससे कि जब भी हम दोबारा वेबसाइट को खोलते हैं या ओपन करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी पेज खोलने में ज़्यादा आसानी होती है, और जो है समय भी कम लगता है और डेटा भी कम खर्च होता है। टेक्निकली बात करें यदि तो यह एक तरह का आइडेंटिफिकेशन कार्ड की तरह काम करता है, जो कि इंटरनेट पर एडवर्टाइजिंग साइट और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह उनसे रिलेटेड सभी प्रकार के ऐड दिखाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकीज। नेक्स्ट प्रश्न है, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो जाए? यानी कर योग्य, जैसे मान लीजिए पहले 1 लाख पे कर लगता था, अब कर योग्य राशि अगर किसी के पास 1,20,000 है तो 20,000 भी कर योग्य राशि है, तो उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो कर के दर में भी, पहले 10% लग रहा था अब 11% लगने लगे, तो उस जो है कर को क्या कहते हैं? तो ऐसे कर को बोलते हैं आरोही कर, आरोही, या इसी को बोलते हैं प्रगतिशील कर। आरोही कर या प्रगतिशील कर ऐसा कर है जिसमें कर योग्य आय में वृद्धि होने पर कर के दर में भी वृद्धि हो जाती है। यह कर जो है मुख्यतः कर का भुगतान न करने में पूर्ण रूप में सक्षम न होने की स्थिति में लोगों के कर भार में कमी करने के प्रयास में लगाया जाता है। इसमें कर भार में वृद्धि करते हुए ऐसे करों को भुगतान करने में अधिक समर्थ जो व्यक्ति होते हैं उनको हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसे आर्थिक असमानता कम करने में प्रभावी भूमिका निभाने वाला कर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी का जो बाह्य पटल है यानी क्रस्ट, क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 46.8% के करीब पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद पाया जाता है सिलिकॉन, सिलिकॉन 27.7%, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आयरन। तो अब यहाँ पे पूछा है दूसरा सबसे प्रचुर तत्व, तो दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। और सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है तत्व? ऑक्सीजन। और यहीं पर एक प्रश्न और बनता है कि बाह्य पटल पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों धातु नहीं है, धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग 8.1% है और यह पृथ्वी के बाह्य पटल पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा धातु, सबसे ज़्यादा धातु जो है अगर पूछे तो वहाँ आपको आंसर मानना है एल्यूमिनियम। और लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है सबसे दूसरा सबसे प्रचुर तत्व, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यह पूछा है पृथ्वी के बाह्य पटल पर, अगर समस्त पृथ्वी में पूछ ले कि समस्त पृथ्वी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तब आपको लोहा यानी आयरन मानना है। यह लगभग समस्त पृथ्वी में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 35.5%, उसके बाद ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पर 30%, और तीसरे नंबर पर सिलिकॉन, और चौथे नंबर पर है मैग्नीशियम। तो यह याद रखना है कि पूरे पृथ्वी में पूछे तो लोहा सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, और अगर बाह्य पटल या क्रस्ट पे पूछे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। नेक्स्ट प्रश्न है,
रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति जो है नवप्रस्तर काल में यांगसाओ संस्कृति। यांगसाओ संस्कृति जो है 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में थी और यह चीन में थी। वहीं से जो है रेशम का उत्पादन शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद जो है रेशम उत्पादन अन्य देशों में फैला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन सा है इसमें? बैटरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी NGRI हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? कोसल जो है अवध क्षेत्र, वर्तमान में जो अवध क्षेत्र है वह प्राचीन समय में कोसल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी, दो राजधानियाँ थी, साकेत और श्रावस्ती। रामायण काल में इसकी राजधानी केवल साकेत थी, साकेत जो कि अब वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। बुद्ध काल में इसके दो भाग हो गए थे, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। जबकि बात करें अन्य ऑप्शन की, कौशाम्बी जो कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का इलाका था वह वत्स के नाम से जाना जाता था, वत्स महाजनपद। काशी काशी महाजनपद के नाम से ही जाना जाता था या वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। और सूरसेन जो है मथुरा के आसपास के क्षेत्र जो है सूरसेन के नाम जाना जाता था, उसकी राजधानी मथुरा ही थी सूरसेन की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसल जो है वह अवध क्षेत्र जो है कोसल के नाम, कोसल महाजनपद के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे एक एक अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 52 जो 92 जो है, अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना यानी वह अध्यक्षता या सभापतित्व तो नहीं कर सकता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 92 में है। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 97 में है। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति जो है अनुच्छेद 100 में किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति पहले तो जो है मतदान नहीं देगा किंतु मत बराबर होने की स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो प्रश्न में यही पूछा है, निर्णायक मत देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है अध्यक्ष के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100। और अनुच्छेद 110 में क्या है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, यह भी याद रखना है। बार बार प्रश्न पूछता है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्होंने 1893 में, 1893 में जो शिकागो का सम्मेलन हुआ था वहाँ पे, विश्व धर्म सम्मेलन, वहाँ पे हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को साबित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है
सतह के क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतह के क्षेत्र कम होने पर, आर्द्रता बढ़ने पर, वायु की गति करने पर। तो इसका सही उत्तर होगा सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर, ऑप्शन ए। जब भी कोई, जैसे मान लीजिए हम लोग एक कपड़ा जो धुलते हैं उससे एग्जाम्पल समझते हैं, जब कपड़ा धुला होता है और वह अगर खोल कर उसको न डालें, लपेटा हुआ रखा है रहे, तो वह देर से सूखता है। लेकिन जब हम उसको फैला के डालते हैं, यानी उसका क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है, तो वह जल्दी सूख जाता है। यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और उसके अलावा आर्द्रता अगर कम रहेगा, जब देखेंगे अगर बादल ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आर्द्रता ज़्यादा होने पर भी वाष्पीकरण की दर घटती है, लेकिन आर्द्रता कम रहेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। और वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो यहाँ पे कम दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, और ये गलत है ही। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942। और इसके बाद गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई, इन तीन लोगों को गिरफ्तार करके पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगा खा पैलेस। आगा खा पैलेस कहाँ पे है? पूना। नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 का जो कि हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन पहली बार सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी जो है, जब इसके लिए चुनाव हुआ था तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही निर्वाचित हुए थे। इनके प्रतिद्वंदी थे प्रताप सीतारमैया, जो कि इनका समर्थन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और ये हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। जिसके बाद इन महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रताप सीतारमैया की हार मेरी हार है। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद एक प्रश्न ये भी बनता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्रिपुरी जो है, त्रिपुरी का जो चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में जब निर्वाचित हुए थे, तो उन्होंने जब अपने पद से त्याग दे दिया तो कौन अध्यक्ष बना? तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। लेकिन यहाँ पे पूछा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता मापने की इकाई है डायोप्टर। यही उत्तर सही होगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता मापने की इकाई डायोप्टर है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, जबकि डॉप्सन से ओजोन परत की लंबाई, और ओजोन परत का जो है मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गैस की जो लंबवत चौड़ाई होती है उसकी भी प्रयोग, उसको भी मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। और बाइट्स जो है कंप्यूटर की मेमोरी मापक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेरोपस निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? टेरोपस किसकी प्रजाति है? चमगादड़ की। और इसको जो है फ्रूट बैट, फ्रूट बैट, और यानी फूल चमगादड़, और उड़न गिलहरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे गिलहरी इसका मत मार दीजिएगा ऑप्शन। टेरोपस जो है चमगादड़ की एक प्रजाति होती है। और अभी जो है निपाह वायरस, केरल में जो निपाह वायरस फैला हुआ था वह इसी टेरोपस प्रजाति की एक चमगादड़ थी, जिसका नाम था टेरोपस जीन्स, उसकी वजह से ही फैला हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरोपस किसकी प्रजाति है? चमगादड़ की। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। चौसा जो है 1539, और कन्नौज का युद्ध 1540, देवरा का युद्ध 1531, और सरहिंद का युद्ध 1555। तो इसका सही क्रम यही है, देवरा 1531, चौसा 1539, कन्नौज 1540, सरहिंद 1555। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया?
तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग 1772 में बना था वहाँ पे गवर्नर, 1772 से 1785 इसका कार्यकाल था, और इसने जो है बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। इसके बारे में हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अगर आपने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख लें, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं, उसको आप लोग देखेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड बेलेजली ने जो देसी राज्यों को अपने अधीन करने के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी, यह भी याद रखना है। पूछता है डायरेक्ट यहीं कि सहायक संधि को किसने अपनाया था, तो लॉर्ड बेलेजली ने, यह भी याद रखना है। और पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक सिद्धांत सहायक जो है संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और इन्हीं के प्रयासों से ही भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया, जो सबसे पहले बंगाल में, फिर बम्बई में और मद्रास में लागू हुआ। सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। और इनकी जो है कुछ पत्रिका है, जैसे इसका नाम याद रखना है, संवाद कौमुदी, और संवाद कौमुदी के अलावा एक और है मिरातुल अखबार, को भी याद रखना है। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी पत्रों के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और यहाँ दयानंद सरस्वती ऑप्शन में, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। और स्वामी विवेकानंद ने प्रार्थना समाज की, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है विदर्भ, यहाँ प्रश्न पूछा है विदर्भ क्षेत्र किस राज्य में आता है? गुजरात का अंग है कि महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, कि राजस्थान का? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है, तथा हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति को किन्नौर से अलग करती है? तो ऐसी श्रृंखला कौन सी है? जास्कर श्रेणी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जास्कर श्रेणी। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो हिमालय भूगोल के क्लास में हिमालय क्षेत्र का पूरा जो है चैप्टर पढ़ा हुआ है, और उसको जाके वहाँ पे जितनी भी श्रेणियाँ हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। आप उसको डिटेल से देख, अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी OECD का मुख्यालय यहाँ पे पूछा हुआ है। OECD जो है आर्थिक प्रगति और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, इसकी स्थापना OECD की 1961 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाली यात्रा किस राज्य का सबसे बड़ा व्यापार मेला है? तो बाली यात्रा जो है उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव कटक नगर में महानदी के किनारे गड़गड़िया घाट है एक, वहाँ पर मनाया जाता है। यह उत्सव उस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में उड़ीसा के नाविक बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका आदि प्रदेशों की यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। बाली यात्रा किस राज्य का सबसे बड़ा व्यापार मेला है? उड़ीसा का। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा, वास्तविक मुगल शासक कौन था? तो
तो शहरयार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शहरयार। शहरयार जो है मुगल सम्राट जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था, उसने नूर जहां थी उसके प्रथम पति, उसका नूर जहां की का जो है प्रथम पति शेर अफगान था, उससे उत्पन्न पुत्री से विवाह किया था। और जहांगीर की मृत्यु के बाद शहरयार को ही लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया गया, और यह लेकिन अयोग्य था। शाहजहाँ का जो शाहजहाँ का ससुर था उसका नाम था आसफ जहाँ, आसफ खान। आसफ खान ने शहरयार को जो है परास्त कर दिया, पराजित करके बंदी बना लिया और शाहजहां को जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया। तो इसका और यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान पारित हुआ था, तो भारत का संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ये नहीं पूछ, अगर पूछता कि संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था तब आप उत्तर मानते 26 जनवरी 1950, लेकिन यहाँ पे पूछा है कब पारित हुआ था, तो पारित जो है पहली बार 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पारित हो गया था। और जब उस समय पारित हुआ था तो उस समय अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, इतने अनुच्छेद जो हैं उस समय लागू हो गए थे जब 26 नवंबर 1949 को हुआ था। उसके बाद पूरा जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पूछा है भारत का संविधान पारित कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आज का आखिरी प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाले इन्फ्रारेड किरणों को एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको एक बिंदु पर एकत्रित करने के लिए एक किस लेंस का प्रयोग, एक बिंदु पे जो है एकत्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग जो नाई का शीशा होता है, नाई का शीशा, और दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर, उस और जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, इन सब में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, यह भी याद रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई डाउट है या कोई समस्या है या कुछ सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। और इस अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे जो भी वीडियो हम लोग बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।